अरे सॉरी 15 मिनट पीछे से शुरुआत करते हैं। आज हमारी लाइफ का सबसे एक्साइटिंग डे है क्योंकि आज हम अपने ड्रीम विला में शिफ्ट होने जा रहे हैं। मैं कार्तिक और ये मेरा दोस्त सिद्धार्थ। सब बिल्कुल सपने जैसा लग रहा था लेकिन फिर अरे कोई लड़के अंदर कैसे जाएंगे हम? कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? मैडम हमने रेंट पे लिया। अवंतिका, कार्तिक मिलिए अवंतिका से, मेरी एक्स। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे हमने रेंट पे लिया विला, आज से शिफ्टिंग है हमारी। लेकिन तुम अंदर कैसे? शिट, मैंने मेरे एजेंट को रिक्वेस्ट किया था एक वीक के एक्सटेंशन के लिए। एक्चुअली मेरा नया फ्लैट 2 दिन बाद वेकेट हो रहा है एंड आई डिडंट थिंक कि नए लोग इतने जल्दी आ जाएंगे यहाँ। मैं एजेंट को कॉल करता हूँ। नहीं इट्स ओके, आई विल पैक माय बैग्स एंड फाइंड अ होटल, जस्ट गिव मी हाफ एन आवर। ओके, यू ऑल कैन वेट इनसाइड। हां अबे आधे घंटे बोल के 5 घंटे कर दिए यार, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या कुछ तो कर। अबे मैं क्या करूं, मेरी कौन सी रिश्तेदार है, मैं खुद इतने सालों बाद मिल रहा हूं। मैं ही जाता हूं। आई नो इट्स द वीकेंड लेकिन कोई एक रूम तो अवेलेबल होगा। बेचारी को होटल भी नहीं मिल रहा। अंजलि कैन आई क्रैश एट योर प्लेस प्लीज? यार ऐसा अच्छा नहीं लग रहा घर से निकालते हुए, इसे कहते हैं इधर ही रह ले जब तक न्यू फ्लैट नहीं मिल जाता। बैठो बिल्कुल भी नहीं भाई, 2 दिन की तो बात है, वैसे भी ये मना कर देगी लेकिन कम से कम पूछते तो है। थैंक गॉड तूने पूछ लिया, पता है सारे 5 स्टार्स बुक्ड है, वैसे भी सिर्फ 6 दिन की तो बात है, प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना। 6? इसने तो पहले 2 दिन बोला था ना। कार्तिक हाँ, ये गंदा फटा हुआ कच्चा किसका है? मेरा है, क्या हुआ? There's a female in the house और आप ये गंदा फटा हुआ कच्चा इसे पब्लिकली सुखाएंगे, खुद ही बताइए अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है, अपने कमरे में सुखाया कर पंखे के नीचे। कच्चा तो ले जाइए, it's stinky। मैं सुखाता हूँ। अरे वो बिजनेस मॉडल का क्या हुआ? यार कंपनी को डिजाइन पसंद। क्या हुआ? इसके पैर कितने गंदे, देखो पूरी टेबल भी खराब हो गई। प्लीज धोकर आओ, मैं यहाँ खाना खा रही हूँ, इसे अच्छा नहीं लगता पता है। तुम्हारे ठीक है। एक चिकन पिज्जा, एक गार्लिक ब्रेड और कुछ? धोकर मैं शेयर नहीं करूंगा। गाइस पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो? हाँ तुम खाओगी? नो, पर वेज ही करना, मेरे आसपास कोई चिकन खाए मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता यार, मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई लड़की मेरे घर में मुफ्त में रहकर मुझे सिखाए कि जीना कैसे। अरे बहन जो मेरा घर है, मैं पटे कच्चे पहनूं या गंदे पहले के सोफे पे नाचूं उसे क्या भाई। मैं भाई 6 दिन की बात हुई थी, आज 1 हफ्ता हो गया है, या तो तू उसको जाने को बोल या फिर मैं बोलता हूँ। हाय हाय बैठो। तो फिर मैं कुछ याद आया, लिख लो इम्पोर्टेंट है। ये वही पेन है? वही पेन जिसकी वजह से हमारे बीच प्यार हुआ था। डरो मत, खा नहीं जाऊंगी। हालांकि कुछ लोग लिख लो इम्पोर्टेंट है। ये अब भी तुम्हारे पास है? हर महीने रिफिल बदलती हूँ लेकिन अब तुम रख लो एज अ थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन। तुम लोग इतने अच्छे हो कि मुझे लगता है ये घर अभी भी मेरा ही है। एनीवे तुम कुछ बोल रहे थे, कब जा रही है? भाई बात ये है, बेंचो तूने बोला ही नहीं। भाई मैं बोल नहीं जा रहा, मैं बोल के आता हूँ। पैसे डाल, करो ठीक हो जाएगा, करो करो। क्या हुआ? बेचारी झूला झूली थी, झूली गई, झूला नीचे गिर गया। और आज ही शिफ्टिंग थी यार? कोई शिफ्टिंग नहीं है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आप हमारे साथ ही रहोगे, क्यों कार्तिक? बिल्कुल ठीक, थोड़ा सा सीधा करो ठीक हो जाएगा। पता है हमारा कभी ब्रेकअप हुआ ही नहीं था, उसके परिवार वाले एक स्कैम में पकड़े गए और उसके पापा को जेल जाना पड़ा, डर के मारे मैंने उससे बात करना ही बंद कर दिया, लेकिन अब लगता है इस इनकम्प्लीट लव स्टोरी को कम्प्लीट करने का टाइम आ गया है। आता हूँ। अरे बैठी क्यों, चलो एक्सरसाइज करते। कैसे, मेरे लेग में तो अभी भी बहुत पेन है। तभी तो करनी चाहिए, जितनी एक्सरसाइज करोगी उतनी ही मसल्स एक्सट्रैक्ट सबट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होंगे और जल्दी जल्दी हील होंगे। तुझे पता है एक्सरसाइजेस? पूछने की बात है, लो पकड़ो। ओके लगी तो नहीं, क्या हुआ? तू पैर छोड़। अरे कोई नहीं, आप अंदर चलो ठीक हो जाओगे। हाँ अंदर चलो, मैं उठाता हूँ। तू तो रहने ही दे। अरे मैं उठा लेता हूँ ना, उठा ले, मैं उठा लेता मैं। पैर कैसा है अब?
बेटर, थैंक गॉड से था टाइम पे आ गया। हाँ। He's so caring ना? हाँ, बहुत caring है। बहुत flirty भी है। मुझसे पूछता सिंगल हो क्या? Such a cutie. साले सर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, तू यहाँ जूनियर आर्टिस्ट बन रहा है और हीरो हीरोइन पर डोरे डाल रहा है। भैया ऐसा मत बोलो। अबे ओ आशिक, अगर अभी कुछ नहीं बोला ना तो लाइन से प्यार भी जाएगा और यार भी। हाँ भैया, आपको कुछ तो करना पड़ेगा इससे पहले अवंतिका हमें छोड़कर सिद्धार्थ भाई के साथ। लेकिन क्या करूँ मैं? सबसे पहले इन दोनों को अलग करो। कैसे? अफसोस, लेकिन अवंतिका का इस घर से जाने का टाइम आ गया है। जाना पड़ेगा। किसे जाना पड़ेगा? तुम्हें जाना पड़ेगा, जल्दी सामान पैक करो। लेकिन क्यों? इतना टाइम नहीं है बाबा, जल्दी सामान पैक करो, मैं हेल्प करता हूँ। चलो मैं होटल छोड़ के आता हूँ। अरे क्या हुआ? तेरी मम्मी पापा का कॉल आया था, कह रहे थे कभी भी सरप्राइज देने आ सकते। गाइस चिल, चिल विल का टाइम नहीं रे बाबा, जल्दी चलो। अरे मैं उन्हें ऑलरेडी अवंतिका के बारे में बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ? अरे यही कि उसकी हेल्प कर रहे हैं और वो तो ये सुनकर काफी खुश थे। ओह दैट्स सो स्वीट, है ना? सो स्वीट। अवंतिका, अब तो पैर भी ठीक हो गया है और 6 दिन की जगह 2 हफ्ते हो गए, तो कब जाने का प्लान है? तुमने बताया नहीं। सॉरी भाई, देख ना अवंतिका के यहाँ रहने से घर कितना सुंदर लगता है ना, और ये यहाँ से चली जाएगी तो घर कितना सुना सुना लगेगा। तो मैंने अवंतिका को हमारे साथ ही शिफ्ट होने को बोल दिया। क्या? और ये तो रेंट देने को भी रेडी है। उनीफ, तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। है, बहुत प्रॉब्लम है। निकल, पहले फुर्सत में निकल। एक्सक्यूज मी भाई, क्या हो गया? तुझे ज्यादा हीरो हीरो बनने की जरूरत नहीं, तू भी निकल पहली फुर्सत में, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग निकलो। कार्तिक, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला था ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं ये वाली शॉट की बात कर रहा था ना यार, सब गलत हो रहा है। भैया आप सिद्धार्थ भाई से क्यों नहीं बात करते? वो भाई है अपने, सब समझ जाएंगे। हद हो गई अब तो। भाई क्या हुआ? कार्तिक, अरे क्या हुआ बताएगा? वो मेरी एक्स है और तू उसके साथ। एक सेकंड, वो तेरी एक्स है? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अच्छा बाबा चल अंदर चल, आराम से बैठ के बात करते। जब तक वो है मैं उस घर में नहीं जाने वाला। कहीं और चल के बात करें। फिर जब उसने पहन दिया, बचपन की सारी फीलिंग्स वापस आ गई। भाई ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुझे लगता है मुझे सब पता होता तो मैं इसके क्लोज भी जाता? तू सच सच बता, तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? भाई वो थोड़ा फ्लर्ट टाइप कर रही थी तो मुझे लगा स्वीट बंदी है, बातें बातें थोड़ी ज्यादा हो गई। फ्लर्ट वो कर रही थी या तू? और तूने उससे पूछा नहीं वो सिंगल है या नहीं? भाई तेरी कसम, उसने पूछा था कि मैं सिंगल हूँ क्या, लेकिन जब मैंने हाँ बोला तो बोलती थैंक गॉड। यार ऐसे खेल क्यों खेल रही है? भाई घर से सब क्लियर करते हैं। कुछ क्लियर नहीं करना, ना ही उसके साथ रहना है, बस कहना है कि यहाँ से चली जा। भाई तुझे जो ठीक लगता है तो वो कर। अवंतिका को बुला क्या? अवंतिका उधर होगी। अवंतिका, अवंतिका भाई, अवंतिका घर पे नहीं है, उसका फोन नहीं स्विच ऑफ आ रहा है। अरे वो छोड़, अपनी गाड़ी नहीं है बाहर। गाड़ी नहीं है? अबे तो पूरा खाली है, तिजोरी का है। माय डियर एक्स कार्तिक, 12 साल पहले जब मेरी फैमिली स्कैम में फंस गई थी, तुमने मुझसे बात ही करनी बंद कर दी। आज तुम्हारे साथ स्कैम हुआ है। What goes around comes around. Hope to see you never my darling ex. Beti bhi scammer. Well planned scammer. What aaj hi shifting thi yaar? Koi shifting nahi hai. Hai kya? Ali. पुलिस होगी,
हमने आपकी नेबर, वो एक्चुअली, अरे सिद्धार्थ कौन है? पल्लवी मेरी एक्स। Hey guys, thanks for watching our video. तो आप हमें बताइए आपकी एक्स अगर आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? वीडियो को खूब सारा लाइक करिए और नीचे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। And please subscribe to our channel. So, it's great.